उत्तराखंड की उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने खतरनाक रूप ले लिया है। नदी का पानी सैलाब बनकर हर तरफ उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है। पानी गंगा मंदिर के अंदर घुस चुका है। तस्वीरें आप देखिए, गंगोत्री धाम में स्नान करने के लिए बनाए गए घाट पानी में समाये हुए हैं और धाम के पास मौजूद दुकानें भी बर्बाद हो चुकी है। वहां से सामने आए एक वीडियो में दुकानों में रखा सारा सामान सैलाब में बहता दिखाई दिया। गंगोत्री धाम के भवनों और आश्रमों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। सभी लोगों को नदी के पास जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। SDRF और पुलिस टीम धाम में तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी का सैलाब है, हर चीज बहती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें डराने वाली भी है क्योंकि सैलाब में दुकानदारों का सामान बह चुका है, कुछ जो कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बह गए हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम में किस तरीके से भागीरथी नदी इस वक्त पूरे उफान पर नजर आ रही है और ये दुकान जो घाट के किनारे बनाए गए थे वहां पर सैलाब इतना ज्यादा कि सामान सारा इसमें बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग उसे रोकने की बचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दुकानदार, लेकिन जो बहाव है उसमें ये मुमकिन नहीं है और ये तस्वीरें डरा रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ भी डरा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां केदारनाथ हाईवे पर अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर जा गिरा, जिसकी तस्वीरें आप देखें। ऊपर से पत्थरों की बारिश होती दिखी और नीचे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। देखिए, राहत की बात यह रही कि पत्थर गिरने वाली जगह पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तस्वीरें आप देखिए, पत्थर गिर रही है, एक चट्टान का पूरा हिस्सा सड़क पर आ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये हादसा होता है, चट्टान गिरती है, लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त यात्रा करने से बचे, लोग घरों में रहें क्योंकि ये मॉनसून का जो अटैक है वो जारी है और वैसे भी जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पर पहाड़ दरकते रहते हैं, लेकिन मॉनसून के सीज़न में इस तरह की घटनाएँ बढ़ जाती हैं और ये तस्वीरें हर कोई देख करके हैरान है, परेशान है, ये तस्वीरें डरा रही हैं। उधर उत्तराखंड के टिहरी से सांस से अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बाल गंगा नदी की तेज लहरों में कोई एकाध नहीं बल्कि कई दुकानें लोगों की आंखों के सामने समा गई। वीडियो में दुकानों के पास ही लोग खड़े नजर आए, वो सामने से ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि किनारे पर मौजूद दुकानें ढेर हो जाएंगी। दुकानें एक बार नदी में गिरी तो फिर उनकी एक ईंट तक नहीं बची। तस्वीरें आप देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें। उनका नामोनिशान इस तरह मिट गया कि तस्वीरें देखकर ये कहना नामुमकिन था कि चंद सेकंड पहले तक सामने दुकानें हुआ करती थी। ये मंजर आप देखिए, लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को पानी में स्वाहा होते हुए देखा। उनको अंदाजा नहीं था कि ये दुकानों का नामोनिशान मिट जाएगा और ये पानी सब कुछ छीन लेगा। देखिए, चंद सेकंड के अंदर ये दुकान कैसे पानी में समा गए, लोग वहां देखते रह गए। टिहरी से तस्वीरें जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हर जगह इस वक्त जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, कैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाए, चंद सेकंड में उनकी ज़िंदगी बदल गई, चंद सेकंड में सब कुछ स्वाहा हो गया। उत्तराखंड की टिहरी से ये तस्वीरें सामने आई है। ये पक्की दुकानें थी जो कि पानी में समा गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पिछले 18 दिन से नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाए बह रही है और नदी के इस उफान में एक बार एक मोटरसाइकिल और उस पर सवार एक शख्स भी फंस गया, जिसकी तस्वीरें वीडियोस जो है वो सामने आए हैं। और मोटरसाइकिल नदी की तेज लहरों की चंगुल में दिखी, वो टस से मस ही नहीं हो पा रही थी। बाव इतना ज्यादा था कि आसपास मौजूद 5 लोगों ने दम लगाया, तब जाकर वो एक अकेली मोटरसाइकिल को सैलाब से बाहर निकाल पाए। तो ये तस्वीरें आगाह भी करती है कैसे इस तरीके से पानी को पार करना खतरे से खाली नहीं होता है, जिंदगी पर बनाती है। वो तो खुशकिस्मत रहा ये मोटरसाइकिल सवार, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल भी बच गई और वो खुद भी बच गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, कड़ी मशक्कत के बाद उसकी मदद की गई और वो बच गया। ये सैलाब के चंगुल में मोटरसाइकिल कैसे बचाई जाती है, मोटरसाइकिल सवार भी बाल बाल बच जाता है। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें सामने आई।
मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी भी जोरदार बारिश की चपेट में आ चुका है। वहां इतनी बारिश हुई कि पानी जटाशंकर मंदिर में घुस गया और किसी झरने की तरह बहता हुआ नजर आया। इन हालात में मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो पचमढ़ी की तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर झरना बहता हुआ नजर आया मंदिर की सीढ़ियों पर। ऐसे में मंदिर में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जटाशंकर मंदिर है ये, जिसकी काफी मान्यता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जटाशंकर मंदिर में भी पानी घुस गया, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो फिलहाल मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं इसमें दर्शन करने के लिए जाना खतरे से खाली नहीं है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश से पूरा इलाका इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। ये झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है मंदिर के अंदर। महाराष्ट्र के यवतमाल की अगर हम बात करें तो सामने एक वीडियो में एक बैलगाड़ी तेज बारिश के बाद उफनते नाले में बहती दिखाई दी और उस पर आगे बंधे बैल और उन पर सवार किसान ने तो किसी तरह खुद को बचा लिया, मगर बताया गया कि तेज बहाव में बैलगाड़ी के पीछे बंधी गाय और बैल बह गए। इन बैल और गाय को बचाया नहीं जा सका, किस तरीके से वो बह रही है ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल से तस्वीरें सामने आई है। सैलाब में बैलगाड़ी बह गई, जो उसमें किसान सवार थे वो तो बच गए, लेकिन ये बैल और गाय को बचाया नहीं जा सका। ये जानलेवा है जल प्रहार, कितने लोगों की जान चली गई है, जानवरों की जान जा रही है और कब तक ये अटैक रहेगा, मानसून का अटैक रहेगा, ये देखना होगा।